आज जो मेरी डाइट स्टार्ट हो रही है ना, उसमें मैंने लिए हैं भाई 2 अंडे, 2 ऑमलेट आप लोगे, उसके अंदर अपनी पसंद की कोई मुझे स्पेसिफिक सारी चीजें बना के दी हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। अब इसके साथ साथ मैं आपको अफतारी और बाकी सारी पूरी रूटीन सब दिखाकर खाएंगे, घर का पियेंगे और उसी से सारी चीजें हम करेंगे। और ये मेरे साथ साथ यहाँ पर रहती है, मैं अपना वजन प्रॉपर जो है वो चेक भी करती रहती हूँ, मैं कर भी लेती हूँ अपना वजन, फिर मैं वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। मेरी तरफ से आप सब लोगों को रमजान बहुत बहुत मुबारक हो भाई। आज हमारा जो है वो पहली सहरी होगी, ठीक है, एंड मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आई एम श्योर हम सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। आज हम लोग जो है वो जल्दी उठ गए, इस वक्त आप टाइम देख सकते हो, कोई 1:15 टाइप्स कुछ हो रहा है। एंड ग्रोसरी बाकी सारी चीजें हमारी हो गई थी, कुछ चीजें हैं जो हमें लेनी है तो उसकी शॉपिंग के लिए हम लोग इंशाल्लाह जाएंगे। एंड उसके साथ साथ जो है ना वो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह घर पे क्लीनिंग श्लीनिंग सब हो गई है, जो भी टचअप था, रंग शंग था, वो सब हो गया है। डेकोरेशन अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। अगर आप लोग देखोगे ओवरऑल आप लोगों को सब कुछ वैसा ही लगेगा, क्योंकि सफाई का और सारी चीजों का अंदाजा उन्हीं को होता है जो रह रहे होते हैं। लेकिन पूरा घर क्लीन हुआ है, पीछे वॉलपेपर था तो वॉलपेपर हटवा दिया गया है, वहां पर भी पेंट हो गया है, सारा कुछ हो गया है। एंड बाहर भी काफी सारी चीजें क्लीन हुई हैं, वो सब भी मैं आपको दिखाऊंगी। कारपेट शार्पेट चेंज कर लिया है हमने, कर्टन्स हमारे तैयार होने के लिए गए हुए थे तो वो अभी हम पिक करेंगे। एंड इस वक्त जो है वो हमारे चुचू यहाँ पर मौजूद है। हाय हाय चुचू, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। सो ये 2 मास्क मैंने अभी न्यू खरीदे हैं दराज से, मेरी दराज फाइंड्स हाइलाइट्स पे जा सकते हो आप लोग इंस्टाग्राम से, वहां से मंगवा सकते हो। फ्लावर्स बाकी सारा खिलाड़ा हमने यहाँ से हटा दिया है, काफी सारा जो है ना वो क्लीन हो चुका है ये। सो आज से मेरी पूरी पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को भाई अपनी सहरी की रूटीन दिखाऊं और अपनी अफतारी की रूटीन, क्योंकि मैं करने वाली हूँ डाइट। और बहुत ज्यादा नहीं भाई, पूरे के पूरे रमजान में हमें बहुत एहतियात करनी है और अपने वजन को किसी भी तरीके से बढ़ने नहीं देना। अगर हमारा वजन कम नहीं हो रहा तो हमारा वजन बढ़ना भी नहीं चाहिए, बेसिक गोल मेरा ये है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफी ज्यादा वेट रिड्यूस किया है। अभी मैं पूरे रमजान में रिलीजियसली फॉलो करने वाली हूँ, मैंने एक ट्रेनर हायर किया हुआ है, सो वो मुझे पूरा चार्ट बना के उन्होंने दिया हुआ है, सारी चीजें मैं इंशाल्लाह आप लोग के साथ शेयर करूंगी। अच्छा जी, सो पूरा सब कुछ तो नहीं शेयर कर सकती, लेकिन अपना जो जो दिखाऊंगी आप उससे समझ जाओगे। अच्छा, इसके बाद भाई बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। सबसे ग्रेट और मस्त अपॉर्चुनिटी आप लोग के पास ये है कि आप लोग मुझे देखकर डाइट शुरू कर सकते हो, हम लोग आपस में मिलकर ही वजन कम करेंगे, ठीक है, और बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह। आप लोग भी बस नियत करो कि अपना वेट जो है ना वो आप लोगों ने कम करना है, ठीक है जी। सो ये आप लोगों ने नियत करनी है। एंड ये मेरा बहुत ही प्यारा सा अवार्ड है जो कि मुझे अभी मिला था। एंड ये एक मैंने डेकोरेशन पीस मंगवाया था, ये भी बहुत प्यारा है, ठीक है जी। आप देखो कैसा लग रहा है। सो काफी सारी चीजें मैंने चेंज की है, यहाँ पे कुछ फ्लावर्स वगैरह मैंने ऐड किए। बहरहाल मैं आपको बोर नहीं करूंगी, अभी काशिफ आ रहे हैं, अपन बाहर चलेंगे, थोड़ा शॉपिंग करेंगे एंड देन उसके बाद फिर देखते हैं कैसा दिन गुजरता है। सहरी तक आप लोग रहोगे मेरे साथ, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करना। आई लव यू, जजाकल्ला। अल्लाह ताला हम सबको इस महीने में बहुत सारी नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। गुनाहगार लोग हैं यार हम, बिल्कुल भी मैं अपने आप को ऐसा बोलती हूँ, कोशिश कर सकता है इंसान, अदरवाइज तो भाई बहुत गुनाहगार है। हम नमाज भी पढ़ ले, हम सारी चीजें कर ले, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी चीजें हम लोग कर रहे होते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह इस महीने तो क्या हमें चाहिए भाई, पूरे साल ही ना करें, लेकिन स्पेशली इस महीने तो बहुत एहतियात होता है, झूठ नहीं बोलना, रोजा है, ये नहीं कर सकते, रोजा है, वो नहीं करेंगे, रोजा है। सो बस अल्लाह ताला जो है ना वो सारी चीजें ठीक हो। आई एम वेरी वेरी इमोशनल, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, क्योंकि भाई मेरा जो पिछली बार था ना रमजान, तो मैं रोजे नहीं रख पाई थी क्योंकि चुचू साहब हमारी जो है ना वो आई वॉज प्रेगनेंट, तो उस वक्त मेरा पता नहीं कौन सा मंथ था बहरहाल, लेकिन मैं नहीं कर सकती थी ना रोजे, नहीं रख सकती थी। इस बार आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड और मुझे रोजे रखना बहुत पसंद है, आई एम श्योर आप सबको भी पसंद होगा। सो जजाकल्ला, काशिफ आ जाए फिर निकलते हैं, अपडेट करते हैं। हेलो गाइस, सो हम लोग वापस आ चुके थे एंड शॉपिंग वॉपिंग करके, और इस वक्त जो है वो आराम से रेस्ट कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ पर अजहान साहब के नेल जो है वो कट हो रहे हैं, छोटे बच्चे के नेल कट हो रहे हैं, और अब कुछ बाहर जाने की तैयारी हो रही है। सो आप लोगों ने रहना है साथ साथ, मैंने कहा अपडेट कर दूँ, आप लोग बोल रहे होंगे कहाँ चली गई ये बोल के जाना है इसको,
और फिर गई नहीं तो बस अभी इंशाल्लाह निकलते हैं। ओके गाइस, सो इस वक्त भाई पहली सहरी जो है ना वो आज हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। और इस वक्त हम लोग जा रहे हैं बाहर थोड़ा बहुत कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए। सो हमारा कुछ यहाँ पे डेकोरेशन होना था वो अभी इनकम्प्लीट है क्योंकि हमारे कर्टन्स बन के नहीं आए। जैसे ही वो आ जाएंगे तो फिर वो आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। सो चलो चलते हैं जल्दी से बाहर, नन्ना के घर पे ड्रॉप करना है बच्चों को, एनी और सलना को लेना है, एंड उसके बाद फिर कह रहा है क्या नन्ना ड्रॉप नहीं, फिर साथ साथ हम खुद नन्ना के चल रहे हैं। चलाक हो गए हैं आजकल के बच्चे, लेट्स गो। सो गाइस, हम लोग अभी लेने के लिए आए हैं मम्मा को। मम्मा को कह रही हूँ, मम्मा नहीं जा रही हमारे साथ, एनी और सलना, और हम लोग बाहर जाके खाना खा। अम्मी आपको बहुत बहुत रमजान मुबारक हो, आप सब लोगों को बोल दें इधर करीब आके। हाँ बोलो आप सब लोगों को मेरी तरफ से, मेरी तरफ से भी आप सब लोगों को रमजान मुबारक। उरूज की अम्मी, थैंक यू अम्मी। एक दिन आएगा मेरी अम्मी मेरे साथ व्लॉग में आएंगी इंशाल्लाह, ईद पे आएंगे अम्मी। अम्मी की रोजा खुशाई करवाएंगे हम कल। हम अपनी अम्मी की हमेशा रोजा खुशाई करवाते हैं और वो भी हर साल करती हैं। हाँ, फर्स्ट रोजा मम्मा का जो है ना वो रोजा खुशाई टाइप्स होता है ना अम्मी। इंशाल्लाह कल आपकी रोजा खुशाई है। वैसे ही फ्रोजन फूड बहुत आया हुआ है, वो खाएंगे। हम निकल गए हैं बाहर और मेरी बहनों को ना अल्लाह ताला हिदायत दे, ये लोग कभी 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 टाइम पर नहीं आती हैं मेरी बहनें, ठीक है। हमेशा इनका यही है कि ये पूरा जो है ना इतना लेट कर देती हैं कि मैं क्या बताऊँ। मैं तो भाई शौर वाली हूँ और बर्दाश्त है मेरे शौर में, मैं सलाम पेश करती हूँ, कोई और हो ना इनको छोड़ छोड़ के जाने कसम से। हाँ नहीं तो आज की पहली सहरी करने के लिए हम आए हैं शानदार शनवारी जो कि मिलेनियम मॉल के बिल्कुल सामने है। और हमने बोला कि यार चलो आज थोड़ा बाहर कर लेते हैं क्योंकि काशिप का दिल था बहुत ज़्यादा कि यार पहली सहरी जो है ना वो मेरी तरफ से होगी, मैं करवाऊँगा। तो बस वो हमें लेकर आए और चलो लेट्स गो जी। सो हम लोग जो है ना वो भाई आ गए हैं इस वक्त शनवारी पे एंड आज सहरी करेंगे हम। अरसलना आ गई हैं। अरसलना आप तो आप ओरिजिनल दिखोगी क्योंकि शैतान तो बंद हो गया आपके अंदर का। मैं ओरिजिनल बहुत प्यारी हूँ। प्यारी नहीं, शैतान अंदर का, अंदर शैतान। हाँ पागल, प्यारे तो हम सभी हैं, जाहिर है यार, होंगे नहीं क्या प्यारे हम, इतना पैसा लगाया हमने। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अच्छा लग रहा है, अच्छा अभी मैं यहाँ पे पहन के, लेकिन अभी जो है ना इसने बंद कर दिया, नहीं दिखा रही है। अच्छा सो मैं आप लोगों को बता रही थी यार कि डाइटिंग स्टार्ट हो गई है इंशाल्लाह आज से, मतलब आज सहरी से हमारी डाइटिंग स्टार्ट है। ये इस वक्त मेरा लास्ट खाना चल रहा है एंड इसके बाद से अब जितने भी ब्लॉग्स मिलेंगे आपको प्रॉपर डाइट मैं फॉलो करूंगी कल से। मतलब ये तो सहरी नहीं हो रही है बेसिकली, अभी हम डिनर करने आए तो सहरी हो जाएगी, लेकिन सहरी से मैं आप लोगों को बता दूंगी आज के आप लोगों ने क्या खाना है क्या नहीं खाना। मेरी महंगी वाली जो डाइट है ना वो आप लोगों को मैं सस्ते में बताऊंगी और अच्छे से आप लोगों को कर सकते हो और अपना वेट कम कर सकते हो, ठीक है। सो स्टे कनेक्टेड, ब्लॉग आपने पूरा देखना है और सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना है, ठीक है। शुरू हुई थी, हाँ मैंने एंड में बोला, मैंने बोला कि आज ये लोग बैंक गए थे और वहाँ का एक वाकया बता रहे हैं और अरसलना अपने जो है ना सही बिल्कुल ठीक ठाक। एक सेकंड अरसलना, एक सेकंड, लाइट कैमरा। बैंक गए थे और बैंक नहीं, मैंने फ्रेश लाइट खोली जी। आप बैंक गई थी? बैंक गई तो वो दो घंटे हो गए, मेरा काम ही नहीं हो पा रहा ना। मैंने एंड में बोला जब दो घंटे गुजर गए तो मैंने बोला कि भाई आप अब मुझे बताएं कितना और मजीद टाइम लगेगा, अभी हो सकता है या नहीं हो सकता ना, मतलब कुछ आप आसरा तो दें एटलीस्ट। तो कहते हैं कि दूसरे वाले अपने बराबर वाले केबिन को कहते हैं, बराबर में जो केबिन पे बंदा बैठा था उसको कहते हैं काम करते हैं आप इनका प्लीज वरना इनकी बहन वीडियो बना देंगी। आई वाज लाइक मैंने ऐसे करके देखा उसको, मैंने कहा जी आप मतलब कौन बहन जानते हैं आप? कौन नहीं जानता उनको यार। मैंने अच्छा, कह रहे हम डर गए भाई आप इनको लेके जाए। अच्छा काशी आए, काशी आकर ना मुझे बता रहे हैं, कह रहे उर्जी मेरे साथ बैंक में ऐसा हुआ। मैंने कहा काशी जब तुम मुझे मनाते हो ना, खुश करने की कोशिश करते हो, नहीं, नहीं, तो मुझे हमेशा ना काशी जब ऐसा हुआ वो बंदा कहता है, फिर वो बंदा कहता है उसको दूसरे वाले केबिन वाले बराबर वाले बंदे को कहता है भाई इनका काम कर दो वरना आपके ऊपर वीडियो बन जाएगी बैंक अल हबीब की। अच्छा तो जब भी काश मुझे खुश करने की कोशिश करते हैं मुझे बताते हैं मुझे तुम्हारे फैन मिले थे ये वो। मैंने बोला शायद हो सकता है यार बैंक में भी जो है ना वो ये एवं ही बोल रहे हो, बोल रहे आज कसम से मिले थे। तो फिर मैंने बोला यार वाओ इट्स अलॉट माशाल्लाह कि आप लोग हर जगह जो है वो मिलते हो। अच्छा ये हमने चुन्नी सी कढ़ाई मंगवाई है, खैर हमारे चार बंदों में आराम से पूरी हो जाएगी।
ठीक है। सो ये हम लोग जो है ना वो खाने वाले हैं, और बहुत ही यम और बहुत ही मज़ेदार सी लग रही है। रायता, सैलड, सब कुछ है नाबे वाला। सो आप लोग हमारी प्लेट्स देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पहली सहरी हमारी जो है वो हो चुकी है और ये हाल है। अच्छा, मैंने बिल्कुल थोड़ा सा खाया है, सिर्फ और सिर्फ मैंने जो है ना हाफ रोटी ली है गार्लिक नान की, और दैट्स इट, बाकी और ज़्यादा कुछ नहीं खाया। थोड़ा सा मतलब 2 टेबल स्पून जो है वो मैंने कढ़ाई खाई है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमने जो है ना वो बहुत एहतियात करना है। और रमज़ान एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप लोग जो है ना इस रहमत और बरकतों वाले महीने में डाइट करना कि आज इतनी क्लास ली है कि हम आपको क्या बताएं। आज ये देखो काशिक मेरी बुराई कर रहे हैं अरसलना से। आज अरसलना ले गई थी मेरे शौहर को जो है ना वो बैंक, ठीक है, 2.5 घंटे इसने मेरे शौहर को पार कराया और आज था मेरा टाइम, ठीक है। सो वो मुझे चिड़चिड़ गई, मैंने बोला जाओ अब उसको ही लेकर चले जाओ, उसका ही काम करवा दो, छोड़ दो मुझे। कभी कभी ना आप अपनी बताओ फ्रूट्स रहते हाँ, उसके बाद फिर क्या हुआ घर पे मेरी काशिफ की 2 घंटा आज लड़ाई हुई इतनी कि भाई आपने इतना लेट क्यों आए हो अरसलना के साथ वापस। फिर कॉल करके कह रही है यार कभी कभी तो आप लोग मिलते हो, फ्रूट लेने जाने कब चलना है भारा भे। मैंने कहा कुछ शर्म कर ले इसको, मैं दूर से देख रही थी। गाइस इस वक्त हम लोग जा रहे हैं भाई चाय पीने के लिए, एंड हमारी साइड से हम लोग जा रहे हैं। काफ़ी कम हमारे इस साइड पर आना होता है, लेकिन जब भी आना होता है बहुत अच्छा लगता है। स्क्वायर मॉल कहाँ पर है जहाँ मास भाई की नई शॉप है, यही है ना? अच्छा यही है स्क्वायर मॉल। हाँ तभी कभी मुझे इन्वाइट आया था लेकिन मैं जा नहीं सकी, क्योंकि भाई वैसे तो उन्होंने सबको ही बुलाया हुआ था बच्चों के साथ। गाइस सो हम लोग पहुंच चुके हैं इस वक्त चाय पीने के लिए, और हम हैं ताज टी, और मुझे आज पता चला है कि रफाए आम सोसाइटी है। काशिफ ये रफाए आम है या बहुत आम है? ये बहुत ज्यादा आम हो गया ये रफाए आम के साथ साथ बहुत आम सोसाइटी है जहां पर आप लोगों को वर्ल्ड रिकॉर्ड बहुत वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, अल्लाह जाने। खैर इनकी चाय यार वाकई में बहुत बहुत अच्छी होती है, एंड आज की सहरी देखें इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, ये रौनकें, ये बरकतें, इतना मज़ा आ रहा है ना माशाल्लाह से कि मैं क्या बताऊँ। आज का हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरा है माशाल्लाह, है ना काशी? फ्रूट्स काशी फ्रूट्स लेने चलना है ना चुच्चे के पापा। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे बताओ कितना प्यार करते हो मुझसे? बताओ ना यार काशी कितना प्यार ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है यार मैं बोलती हूँ अभी आप लोग लंदन जाओ, पेरिस जाओ, कहीं पे भी दुनिया के कोने पे चले जाओ, लुई विटॉन, गुची पुची, एलवी कुछ पहन लो, लगोगे गरीब के बच्चे। हम समीत भाई सब कुछ खत्म हो चुका है अंबानी के बाद, सही है, वो है असल अमीर अंबानी, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं खुद कीड़ी हूँ तो भैया तो भाई अंबानी के बाद ना स्टेटस बहुत हाई हो गया अमीरों का, तो अभी फजूल के अंदर ना चिचोरपन करने की हमें जरूरत नहीं है। बड़े जल्दी चाय आइए यार, हम हर कोई हमारी तरह थोड़ी सैरी करने बाहर आ जाता है, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो अपने घर पे करते हैं। फीकी कौन सी है? जजाक अल्लाह मेरे भाई। सो भाई ये है चाय तो पीने वाली, समझ लो एक गरम चाय की प्याली हो और उसको पिलाने वाली हो, और कितनी बार पूछोगी गाइस मैं आप लोगों को बताती हूँ आज हुआ क्या। मुझसे ये खता हुई कि मैं 3 बजे उठी हूँ सो के, ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मैंने एक अदद जो है अपने भाई को मैसेज कर दिया, मैंने काशिफ भाई मुझे भाई लड़ाई होनी थी नजर लग गई, मुझे ना बैंक बोल रही हूँ नजर लग गई। मैंने बोला भाई वो अंबानी इसको नजर नहीं लग रही, अरबों करोड़ों उन्होंने उड़ा दी, मतलब कहाँ से कौन है ये लोग, क्या नजर लग गई ये भी बोलती है इसको ले लूं ब्लॉग में, वो शर्माती है चल झूठ। आप बता दो ना कितना प्यार है, रमजान के लिए कितना खुश हूँ अब तो माशाल्लाह। पहले ये एक साथ दोनों में अंगूठियां डालती थी, फिर उस दिन के बाद से ये अलग अलग निकाल अरसलना ने पिलाई, ये अरसलना की है, अरसलना के घर से उठाई है गाइस ये वाली यार, ये तो मैंने करवा ली थी तुम्हारी, हां ना ये मैंने अभी पहनी है, पहन के आ गई वापस यहां से, कोई भी मैं अपनी अम्मी के यहां से कोई चीज लेके किचन में काम कर रही थी चल झूठ, मैंने उतार के कोई चीज लेके नहीं घूमती, नहीं बेसिकली 2 रिंग्स थी, एक मैंने रूस से ले ली थी क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, उतने जितने पहले करता था
पहले तो आप करते ही नहीं थे तो बताने के मूड में नहीं क्या बोल रही हूँ आज बताने के मूड में नहीं है। ओके गाइस, तो भाई आप लोग को मुझे फॉलो करते रहना है, डाइट फॉलो करनी है, ठीक है? बाय बाय गाइस, प्लीज़ मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करें। आज जो है ना सहरी के बाद जब आप ये मेरा ब्लॉग देखेंगे ना, तो आपने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करनी है कि यार मेरी लड़ाई ठीक हो जाए। मेरी लड़ाई पर लड़ाई हो जा रही है। पहला रमज़ान है आज काशिफ से, पता नहीं क्यों लड़ाई हो जा रही है। बस अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक जो है ना वो अब तो नजरे पत का बोल ही नहीं सकते। ये कर दो, कितना है ये आप बताओ। दो किलो कर दो, कितना है लाला? ये हो गया 4 किलो है, 400 दो किलो है, 400 रुपए दे दो। 200 रुपया सदर की मार्केट और JDC वालों ने हमें ना डिडक्टिव के तौर पे भेजा है। जहाँ पे भी प्राइस हमें जहाँ पर भी वो मिलेंगे ना ज्यादा, वो वीडियो चली जाएगी JDC वालों को। सही है, दो ले लूँ, छह ले लूँ? छह ले लो, छह काफी है ना, काफी दो दिन के लिए बहुत है। दो लाला छह दे दो, बहुत दूर बता। ₹1000 दिए हैं। कैसी दे रहे हैं स्ट्रॉबेरी भाई? ये आधा किलो से भी ज्यादा है। 180 का डब्बा है, डब्बा नहीं लेना यार। ये देखो फफूंदी ऑलरेडी इसके अंदर लगी हुई है। लूज ले लो, खुली वाली। हाँ लूज ले लो, आ जाओ आ जाओ। बाहर ने भाई साहब ₹200 किलो के 12। मैंने अंकल को कहा अंकल अच्छे वाले केले निकालते हैं, ससुराल जाने हैं, फिर ससुराल वाले बोलेंगे ऐसे केले ले आई तुम्हारी अम्मी के यहाँ से, ऐसे केले आए वैसे केले आए, अच्छे वाले केले जाएंगे। मजा आ रहा है वैसे। दो दर्जन मेरे, दो दर्जन तुम्हारे। अंकल की वाइफ इतनी अच्छी, वेल एजुकेटेड, इतनी पप्पू बच्चे माशाल्लाह, मिलने के लिए जो है उनके हस्बैंड आए मेरे पास, कहने लगे बच्चों के साथ बैठी हुई है, प्लीज आप उनको हेलो कर दें, वो जो है ना उतर नहीं पा रही है। अरे हमें मैंने बोला धनिया पुदीना लेते हैं, मिल लिए यार, थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे हर जगह अब तो यार मिलने लगे हो। मैं सोच रही हूँ किसी दिन कोई मीटअप शीटअप हो जाए, आप लोगों को किसी दिन बुला लिया जाए किसी जगह पर। और इतना प्यार है यार आप लोगों का कि चलते फिरते ना अब तो ऐसे गाड़ियों में बाइकों पे ऐसे हेलो रूज स्माइल हो रहा होता है। जजाक अल्लाह, बस इसी तरह प्यार करते रहे काशिफ, बहुत अच्छा लगता है यार। थैंक यू सो मच। एंड आज अम्मी खुश होने वाली है, हमने फ्रूट्स टमाटर धनिया पुदीना क्या नाम है पालक, कोशिश होती है अम्मी को ना बाहर ना जाना। हाँ एग्जैक्टली, लेकिन यार ये ना मम्मा की छोटी सी खुशी होती है कि उनको हर छोटी सी चीज पे ना नीचे उतरना होता है, जान के खुद जब तक वो दही वही ना लेकर ना आए ना अच्छा नहीं लगता। या फिर वो सोसाइटी में नीचे स्पेशली उतरती है, जब वो सब्जी वाला आता है तो फिर सब्जी लेती है, उनको मजा आता है उस चीज में। उसकी भी खैर बात अलग होती है। वैसे हमारी सोसाइटी में बहुत एक्सपेंसिव चीजें मिलती हैं यार, सारी सब्जियाँ 500 रुपए का। यहाँ पर सदर साइड अपने लोगों को बताओ, मैं चाहती हूँ। हाँ जी हाँ जी, लिया पपीता 500 का और यहाँ से मुझे मिला वही सेम। हमारे सोसाइटी से बहुत महंगा मिलता है, यहाँ से 200 का मिला, वहाँ से 500 का मिलता है। ₹300 का फर्क यार काशिफ भाई, मैं तो पागल हो गई अपना सर पकड़ के। मैं अब्बू से मंगाती हूँ, मेरा खत्म हो जाता है ना। बहुत अच्छा यहाँ से हमें मिल गया, शुक्र है। चलो घर चलते हैं यार, थक गए गाइस। सो हम लोग पहुँच चुके हैं घर पे एंड अब बिल्कुल सहरी का टाइम जो है वो बिल्कुल करीब आ गया है। खाना तो हमने खा लिया, चाय भी पी ली, अब बस पानी पियेंगे। बहुत सारी हमने सब्जी ली है, इन सबको हम लोग जो है ना वो लॉक करके रख देंगे। एंड यहाँ पर अरसलना लुढ़कती फुड़कती नजर आ रही होंगी आपको, माशाल्लाह से अरसलना ने काफी जो है ना वो अपना दिल मार के खर्चा किया है। अरे कहना क्या चाहते हो? शक्ल देखनी, ये क्या बदतमीजी थी। मेरा दिल कहना बहुत पड़ता बड़ा है, कहना पड़ता जेब छोटी है तो कहना पड़ता है, कहना पड़ता है। दिल तो हम सबके बहुत बड़े हैं, जेबें तो हमारी। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। गाइस तो घर पे वापस आ चुकी हूँ और मैंने सोचा कि यार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। आज फर्स्ट डे है, ठीक है जी, सहरी का। और फर्स्ट डे में मैं बहुत ज्यादा आपको जो है ना लॉन्ग नहीं करूंगी, वीडियो को शॉर्ट करूंगी। आज जो मेरी डाइट स्टार्ट हो रही है ना,
उसमें मैंने लिए हैं भाई 2 अंडे, 2 ऑमलेट आप लोगे, उसके अंदर अपनी पसंद की कोई भी सब्जी आप ऐड कर सकते हो। इसके साथ साथ भाई 1 ब्रेड जो है ना वो हमने लेनी है, ब्राउन ब्रेड का स्लाइस एक हमने लिया है, ठीक है जी आप देख लो। और बस इसके साथ हमें 1/2 कप लेनी है टी, और बहुत सारा पीना है पानी। सो ये हमारे फर्स्ट डे का प्रॉपर यू नो सहरी है, ठीक है। आप मैं आप लोग को मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि आज पहला दिन है, पहले दिन से हमने शुरू किया था। 12 बजे मैंने सौंफ का पानी, सौंफ अजवाइन का पानी पी लिया था। वो तो आप लोग मेरे चैनल पे YouTube गुरु जी स्माइल पे देखोगे, बहुत सारी वीडियोस हैं कैसे बनना है। इसके बाद फिर 12 बजे वो किया, और इस वक्त आप देख लो सहरी का टाइम है 4:30 बजे का, और हम लोग जो है वो इस वक्त अपनी सहरी कर रहे हैं, ठीक है जी। और सहरी में हमने फिर से मैं बता दूं ऑमलेट स्लाइस और अपना हमारी टी आ गई है, ठीक है। सो ये आज हमारा है, आज से हमारा बेसिक मकसद क्या है कि पूरे रमजान मैंने स्ट्रिक्ट डाइट करनी है, क्योंकि मैंने एक बहुत ही अच्छे ट्रेनर को हायर किया हुआ है, ठीक है। उनके ट्रेनर का जितनी भी डिटेल्स है वो इंस्टा पे मिलेगी आपको। सो उन्होंने मुझे स्पेसिफिक सारी चीजें बना के दी हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। अब इसके साथ साथ मैं आपको अफ्तारी और बाकी सारी पूरी रूटीन सब दिखाऊंगी, तो आप लोगों ने रोज आना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, 30 दिन मुझे लाजमी देखना है। मैं और आप मिलके वजन कम करेंगे, 1 महीने का मेरा ज्यादा नहीं 10 से 15 किलो का टारगेट है, ये बहुत होता है अपने आप में, लेकिन हम लोग कर सकते हैं। सब कुछ घर का खाएंगे, घर का पिएंगे, और उसी से सारी चीजें हम करेंगे, और इंशाल्लाह आप यकीन करें करके दिखा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी मैंने अपना काफी वजन जो है वो कम किया है। एक और चीज मैं आपको दिखा दूं, अच्छा जी, सो ये है भाई, ये देखें, ये है हमारी वेट मशीन, और ये मेरे साथ साथ यहाँ पर रहती है। मैं अपना वजन प्रॉपर जो है वो चेक भी करती रहती हूँ, मैं कर भी लेती हूँ अपना वजन, फिर मैं डे के लास्ट में आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी, ठीक है जी। सो जबरदस्त हो गया, इससे पहले भी हमने किया है, अभी भी करेंगे। सो आज के ब्लॉग को मैं यही एंड कर रही हूँ, आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, मैं आपको पूरे के पूरे रमजान बताऊंगी घर में आप कैसे 1 महीने रमजान में 10 से 15 किलो वजन कम कर सकते हैं। फिलहाल आप लोग भी मेरी तरह ये सहरी करें, रखिएगा अपना बहुत ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल ब्लॉग में मिलेंगे, लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज।